नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। इंटरमीडिएट 2021 के लिए सेंटअप परीक्षा आज से हुई शुरू। इंटरमीडिएट 2021 के लिए सेंटअप परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप अब हर दिन दो पालियों में परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इस बाबत बिहार बोर्ड की तरफ से परीक्षा का शेड्यूल शिक्षण संस्थानों को भेज दिया गया है। बिहार बोर्ड द्वारा सेंटअप परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्रों को 12 अक्टूबर को ही संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय को भेज दिया गया था। वहीं जिला कार्यालय की तरफ से सभी स्कूल और कॉलेज में प्रश्न पत्र भेज दिया गया है। आपको बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है जब सेंटअप परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि 14 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। हालांकि सभी शिक्षण संस्थानों को अपनी सहूलियत के हिसाब से परीक्षा लेने की छूट भी दी गई है। वहीं 7 नवंबर को परीक्षा के परिणाम भी जारी किए जाएंगे। आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की चुनावी जनसभा की शुरुआत। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से अपनी चुनावी सभाओं की शुरुआत कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार आज यानी कि 14 और 15 अक्टूबर को कुल मिलाकर 4 जनसभाएं वो करने वाले हैं, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही शाम को पार्टी कार्यालय में वो 3 विधानसभा क्षेत्रों की इकट्ठा वर्चुअल रैली करवाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसभा की शुरुआत बांका जिले से हुई, जहां उन्होंने अपनी जनसभा की शुरुआत बांका जिले के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के बलुआ टिकर मैदान में की है। वहीं उनके दूसरी जनसभा भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में आयोजित करवाई गई थी। तीसरी जनसभा मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में आरएसके मैदान में आयोजित करवाई गई थी। तेजस्वी यादव ने राघोपुर से भरा नामांकन। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख बस कुछ ही दिन दूर है, वहीं चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू है, साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया भी जारी है। इसी क्रम में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपना नामांकन भर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए हाजीपुर से भर दिया है। इस दौरान उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव सहित अन्य पार्टी के नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती भी दी है, जिसके तहत उन्होंने उनसे उनके गृह जिले में मैदान में उतरने को कहा है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लोजपा को दी दो टूक नसीहत। बिहार में बगावती तेवर दिखा चुके लोजपा को अब भाजपा की तरफ से भी लगातार चेतावनी दी जा रही है। इसी क्रम में अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी लोजपा को दो टूक नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लोजपा झारखंड चुनाव में भी अलग होकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बिहार में यह एनडीए का हिस्सा नहीं है, इसे लेकर किसी को भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट या अन्य गैर राजक दलों के उम्मीदवार यदि प्रधानमंत्री के नाम या तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ सख्ती दिखाई जाएगी। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कई बागी विधायकों पर भी सख्ती दिखाई है, और ऐसे में 9 विधायकों को पार्टी से अलग भी कर दिया गया है। चुनाव के खर्चे को देख चुनाव आयोग करेगा चुनावी बजट बढ़ाने की मांग। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार दोगुना खर्च होने की उम्मीद जताई गई है। जानकारों की माने तो 2015 में हुए चुनाव में 270 करोड़ के खर्च के मुकाबले इस बार चुनाव में 625 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। ये सरकारी खर्च होगा, इसमें राजनीतिक दलों द्वारा किया जाने वाला चुनाव प्रचार खर्च शामिल नहीं है। खर्च में बढ़ोतरी को देखते हुए चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के पास चुनावी बजट बढ़ाने का प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार बिहार चुनाव के लिए यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो चुनाव के दौरान खर्च में हो रही बढ़ोतरी का कारण कोरोना है। चुनावी कर्मियों को भी 125 करोड़ रुपए के पीपीई किट खरीदे गए हैं। इसके अलावा सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क को अलग रखा गया है। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलाई जाएंगी पूजा स्पेशल ट्रेन। आगामी दुर्गा पूजा और छठ को देखते हुए, साथ ही यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड की तरफ से कुल मिलाकर 196 ट्रेनों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें पूर्व मध्य रेलवे की दर्जन भर ट्रेनों के नाम शामिल है। इतना ही नहीं, 20 अक्टूबर से चलने वाली ट्रेनों में मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली ट्रेनों के नाम भी शामिल है। ये सभी ट्रेनें सुपरफास्ट बनकर चलेंगे। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर कोचिंग विवेक कुमार ने इस संबंध में देर शाम पत्र जारी कर दिया है। जिन ट्रेनों का परिचालन करवाया जाएगा उसमें गाड़ी संख्या 03021 और 22 रक्सौल हावड़ा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 05047 और 48 कोलकाता गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 03019 और 20 हावड़ा बाघ एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 02545546 रक्सौल लोकमान्य तिलक रक्सौल कर्मभूमि एक्सप्रेस का नाम शामिल है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे विलियम एडवर्ड कॉलिंस की। विलियम एडवर्ड कॉलिंस का जन्म आज ही के दिन साल 1853 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था।
विलियम एडवर्ड कॉलिंस एक डॉक्टर, खिलाड़ी और राजनीतिज्ञ थे। उनके सबसे बड़ी खेल उपलब्धियां रग्बी यूनियन में थी। 1870 के दशक में उन्होंने कई बार इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। 1878 में न्यूजीलैंड के लिए भी जाने से पहले उन्होंने 1880 के दशक में कॉलिंस ने वेलिंगटन के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 2 मैच भी खेले थे। बिहार के चुनावी मैदान में उतरी भोजपुरी की बोल्ड एक्ट्रेस। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए भोजपुरी की बोल्ड एक्ट्रेस पाखी हेगड़े भी उतर चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार अभिनेत्री पाखी हेगड़े राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के समर्थन में वोट मांगने वाली हैं। उनके साथ कई सितारे भी उनका समर्थन करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले भी पाखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वोट मांगती देखी गई थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी का गठन 25 अगस्त 2019 को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कृष्ण कुमार दास है। वही कृष्ण कुमार दास, जिन्होंने देश भर के कलाकारों को न्याय दिलवाने के लिए और बिहार के बाहर काम कर रहे लोगों की उपेक्षा को दूर करने का संकल्प लिया था। वहीं पार्टी में शामिल हुए पाखी हेगड़े ने साफ कहा है कि वो इस पार्टी का दामन थामकर बिहार की राजनीति से और इंडस्ट्री से नेपोटिज्म को खत्म करना चाहती हैं। कौन बनेगा करोड़पति में पटना की राजलक्ष्मी ने जीते 12.50 लाख रुपए। कौन बनेगा करोड़पति के इस सीजन में भी बिहारियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। जहां हर सीजन में बिहार के कई लोगों ने केबीसी के मंच पर अपनी जगह बनाई थी, वहीं एक बार फिर से इस सीजन में पटना की रहने वाली राजलक्ष्मी ने 12.50 लाख रुपए अपने नाम दर्ज किए हैं। मंगलवार को प्रसारित इस एपिसोड में बहादुरपुर मोहल्ले के बाजार समिति की रहने वाली राजलक्ष्मी ने केबीसी में पूछे गए कुल 15 सवालों में से 14 सवालों का सही जवाब दिया। हालांकि एक ऐसे सवाल में वो फ्लिप हो गई। वहीं अपनी इस जीत के बाद राजलक्ष्मी ने फोन पर बताया कि केबीसी में उनका आना उनकी जिंदगी एक टर्निंग पॉइंट था। जब मंच पर गई तो उनकी आंखों में आंसू आ गया था। स्पाइसजेट ने दिवाली छठ पर दिया खास तोहफा। दरभंगा एयरपोर्ट से 8 नवंबर से विमानों का परिचालन की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके लिए टिकट की बुकिंग की प्रक्रिया भी पहले ही शुरू करवा दी गई थी, जिसके बाद लोगों ने टिकट बुक करवाना भी शुरू कर दिया था। जिसके बाद अब विमानन कंपनी स्पाइसजेट अपने विमानों की सेवा शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी है। जिसके बाद अब 8 नवंबर से दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर के लिए विमान उड़ान भरने लगेंगे। दरभंगा से पहले विमान दिल्ली के लिए रवाना होगी। दिवाली छठ पर इस बार अब लोग विमान सेवा का लाभ उठा सकेंगे। यहां से हवाई सफर की शुरुआत होने से दरभंगा के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया समेत 22 जिलों के लोगों को यह सुविधा मिलेगी। राजद ने अपने दागी उम्मीदवारों की सूची की जारी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए आदेश के बाद राजद ने अपने दागी विधायकों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार राजद की तरफ से दागी विधायकों के पूरे रिकॉर्ड को वेबसाइट के अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी जारी कर दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी सूची को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भेजने के लिए भी कहा था। वहीं राजद की तरफ से जारी किए गए सूची के अनुसार 24 उम्मीदवारों की कुंडली निकाली गई है। ऐसा करने वाली राजद पहली पार्टी बन गई है। वहीं राजद ने सूची जारी करते हुए साफ लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में उम्मीदवारों पर लंबित मामलों का संपूर्ण विवरण। राष्ट्रीय जनता दल की दृष्टि से जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये प्रत्याशी सबसे योग्य क्यों हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता का भी उल्लेख दिया गया है। सोशल मीडिया के जरिए जनता से जुड़ रहे प्रत्याशी कर रहे हैं प्रचार में लाखों रुपए खर्च। बिहार में जहां एक समय में व्यक्तिगत तौर पर मैदान पर उतरकर जनता से संवाद करके लोगों को अपनी उपलब्धियां गिनवाई जाती थी, वहीं इस साल विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों का मैदान में उतरने और प्रचार करने का अंदाज पूरा बदल गया है। कोरोना के कारण अब प्रत्याशी भी डिजिटल होते जा रहे हैं। चुनाव के लिए कई सारे वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें वीडियोस रिकॉर्डिंग समेत अन्य काम भी जोर शोर से करवाए जा रहे हैं। इसके लिए कैमरामैन से लेकर आर्टिस्ट तक की नियुक्ति करवाई गई है। वहीं इस बार डिजिटलीकरण के माहौल में 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के वीडियो को बनाने के लिए 10 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे के सामने होगी राजस्थान और दिल्ली कैपिटल्स की टीम। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे से राजस्थान और दिल्ली की टीम भिड़ने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान रॉयल्स सनराइजर हैदराबाद पर अपनी जीत से आत्मविश्वास को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ डीसी को हार का सामना करना पड़ा था। ऋषभ पंत की चोट ने उन्हें चयन सिरदर्द बना दिया था। पिछले मैच में उन्हें शिमरोन हेटमेयर को छोड़ना पड़ा था। अजिंक्य रहाणे को भी ड्राफ्ट किया जाना था। यह मुंबई इंडियंस के खिलाफ डीसी के लिए एक दुर्लभ दिन की तरह लग रहा था। हालांकि उन्हें अपनी फील्डिंग को आगे बढ़ाने की जरूरत है। पृथ्वी शॉ के पास मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक कठिन समय था और यहां से छोटी चीजें भी हैं जो मैच का रुख मोड़ सकती हैं। हालांकि आज यह दोनों टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को एक बार फिर बताया गुंडा। कंगना रनौत और उद्धव सरकार सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से लगातार एक दूसरे के आमने सामने है। वहीं एक बार फिर से अभिनेत्री कंगना रनौत ने उद्धव सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने सरकार के रेस्टोरेंट और बार खोलने पर सवाल उठाया है। साथ ही धार्मिक स्थलों को बंद रखने के फैसले पर भी कंगना ने सरकार को खूब भला बुरा कहा है, जिसके तहत कंगना ने अच्छा लगा सुनकर कि गुंडा सरकार ने हमारे गवर्नर सर से सवाल किए। गुंडों ने
बार रेस्टोरेंट खोल दिया है और चालाकी से मंदिर बंद रखा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने स्ट्रीट के साथ गवर्नर भी लगाया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव ठाकरे ने एक दूसरे को पत्र जारी किया था। साथ ही भाजपा ने मंदिरों को भी खोलने की मांग की थी। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 72 लाख के पार। देश में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 63,509 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 72,39,389 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 730 लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 110,586 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होते जा रहा है, जिसके बाद बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का यह भी अंदाजा लगाना है कि शायद भारत में कोरोना का प्रभाव अपनी ढाल की तरफ बढ़ने लगा है। आपको बता दें भारत में अब तक कुल मिलाकर 63,01,927 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 8,26,876 सक्रिय मामले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डिजिटल माध्यम से प्रचार करवाने का फैसला सफल साबित हो पाएगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।